हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन एक्जिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक्जिलरी वर्ब क्या होती है? तो एक्जिलरी वर्ब को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं लेक्सिकल वर्ब, दूसरे में बांट सकते हैं इसको ऑक्जिलरी वर्ब। तो आप जो कहने का मतलब, इसमें दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कोने में लेक्सिलरी वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब और एक इधर को ऑक्जिलरी वर्ब। अब पहले देखिए, लेक्सिकल वर्ब को अपन इस प्रकार से डिवाइडेड कर सकते हैं और ऑक्जिलरी वर्ब को अपन तीन भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। तो पहले देखिए लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। देखो, आपने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और एक होती है फिफ्थ फॉर्म, है ना, उसको बोलेंगे अपन लेक्सिकल वर्ब। अब देखो, ये तो आपको सबको कन्वर्ट याद है। फर्स्ट फॉर्म किसे कह सकते हैं? जैसे राइट, है ना, ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? लेक्सिकल वर्ब। राइट, इसमें ऐसी इसका प्रयोग नहीं, यानी कौन सी है? वी1। वी1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैं कहूं आपसे कम, ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब मैं कहूं आपसे सेकंड, राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोट। क्या हो जाएगी? रोट। ये आपकी सेकंड फॉर्म यानी लेक्सिकल वर्ब यूज हुई है। कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम, कैन। तो ये आपकी वी1, वी2 है, यानी सेकंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज हुई थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना। अब थर्ड फॉर्म, जैसे इसी को यूज कर रहे हैं, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? रिटर्न, है ना। इसी प्रकार कम का क्या हो जाएगा? कम का कम, कैन, कम, ये आपकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी प्रकार फोर्थ फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में ध्यान रखना आईएनजी वर्ब जुड़ती है, जैसे राइट। अब राइट में ध्यान कर लेना, क्या करना आपको, तो ये ई है ना, इसको ई को हटा देंगे और आर डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी ऐसे जोड़ देंगे, इसे क्या बना देंगे अपन? फोर्थ फॉर्म बना देंगे और ये लेक्सिकल वर्ब के रूप में काम करेगी। इसी प्रकार कम, कम में भी ई आ गया, तो इसको हटा के सी ओ एम आई एन जी, है ना, ये आपकी कौन सी हो गई? फोर्थ फॉर्म हो गई। अब मैं आपसे कहूं फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, तो फिफ्थ फॉर्म को देखो, पहचानने का एक ही तरीका है, जिसमें एसईएस का प्रयोग होता है, जिस फॉर्म में एसईएस का प्रयोग होता है वो आपकी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। जैसे राइट, राइट में मैं एस जोड़ देता हूं, डब्ल्यू आर आई टी एस, ये आपकी हो गई फिफ्थ फॉर्म। मैं आपसे कहूं ई एस हो गया, तो आपकी कौन सी हो गई? फिफ्थ फॉर्म यानी लेक्सिकल वर्ब बन गई। मैं आपसे कहूं कम्स, कम्स का क्या हो जाएगा? सी ओ एम एस, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? बी फाइव हो गई, यानी B5 यानी पांच प्रकार की वर्ब होगी, जिसमें एस एस का प्रयोग होगा, वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? B5 कहलाएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? जिसमें एस एस का प्रयोग नहीं होगा, ओनली B1 ही कहलाएगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। जिसमें एस एस का प्रयोग नहीं होगा वो फर्स्ट फॉर्म, जिसमें सेकंड फॉर्म है ना वो आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में थर्ड फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा, फिफ्थ फॉर्म में एस एस का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान कर लेना, एस एस का प्रयोग किसमें करेंगे? B5 में करेंगे। अब देखो, अपन एक पढ़ते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब भी अपन किसे कहते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब भी पांच प्रकार की वर्ब है ना, इसी बोलते हैं। इसका साधारण नाम क्या होता है? ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। इसे क्या कह सकते हैं दूसरा नाम? इन्फिनिटिव वर्ब भी इसे कह सकते हैं। तो ध्यान से समझना, इसने ये पांच प्रकार जिसमें ऐसे इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये आपकी कौन सी वर्ब हो गई? पांच प्रकार की लेक्सिकल वर्ब बन रही है। इसी क्या क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। इसी को ही कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, जिसमें टू का प्रयोग होता है, यानी जिस वर्ब में अपन टू का प्रयोग करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, जिसे टू को है ना, ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसी में क्या जोड़ना है? टू लगाना है, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगी, जैसे टू वॉक, टू इट। तो यहां तक तो अपने ये लेक्सिकल वर्ब पढ़ चुके हैं, पांच प्रकार की हो गई है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को अपन तीन भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे नंबर पर होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मॉडल किस रूप में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर होती है मर्जाइली मर्जाइनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये तीन प्रकार की होती है ऑक्सिलरी वर्ब। अब पहले देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जिसमें टू से जुड़ जाए, है ना, टू डू। अब देखो यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब में यानी मेन वर्ब में जोड़ रहे थे टू। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब में जोड़ रहे टू, तो ये आपकी प्राइमरी वर्ब कहलाएगी। तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे टू जोड़ दिया, यहाँ पे टू, तो ये तो इन्फिनिटिव वर्ब बन गई। इन्फिनिटिव वर्ब नहीं है, ये क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे टू गो, टू डू, टू हैव, टू बी, जैसे मैं कहूं राम, जैसे मैं आपसे कहूं कि राम टू डू गो देयर, राम को वहां जाना पड़ता है, तो उसका अनुवाद अलग हो जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं मॉडल एक्चुअल वर्ब, ये सभी जानते होंगे, आप सब लोग जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, है ना, ये जो भी आते हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी? देखो इसमें आउट टू, आउट टू भी इसमें आएगा, है ना, तो आउट टू यानी ये कहलाएंगे आपकी
मॉडल एक्चुअली वर्ब, आउट टाइम इसको डिलीट करो ऐसे, ये वर्ब क्या कहलाएंगे आपकी मॉडल एक्चुअली वर्ब कहलाएगी। इसके बाद में आती है मर्जाइली मर्जाइनल ऑर्डिनरी वर्ब, इसमें आती है जैसे यूजर टू, तीन प्रकार की वर्ब होती है ये, यूजर टू, नीड डू, नीड और डेयर। जैसे मैं कहूं आपको इस चीज को सहन करना चाहिए तो वहां पे नीड है ना, सहन करते हैं तो नीड का प्रयोग करते हैं, डेयर सहन करने के लिए भी आता है ना। अब यूजर टू, जैसे मैं रोजाना उठा करता हूं, रोजाना उठा करता हूं, तो वहां पे अपन कौन से वर्ब यूज करते हैं, यूजर टू, यानी मैं पहले 4 बजे उठा करता था, तो वहां पे कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, यूजर टू, है ना। इसी प्रकार नीड का प्रयोग करेंगे, डेयर का प्रयोग करते हैं, ये वर्ब कहलाएंगे आपकी मर्जनल ऑर्डिनल वर्ब। जबकि मॉडल वर्ब आप सभी जानते हैं, प्राइमरी वर्ब आप सब जानते हैं, मेन वर्ब में टू का प्रयोग होगा, ये आपकी प्राइमरी वर्ब कहलाएंगी और ये आपकी ऑर्डिनल वर्ब कहलाएंगी। जब जो अपन ज्यादातर ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, वो कौन सी वर्ब कहलाती है, ऑर्डिनल वर्ब पर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, तो ये काम में आने वाली वर्ब है। तो इसको मैंने आपको डिवाइडेड कर दिया आपके सामने, कि अपन अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्ब है, इन वर्ब को क्या नाम दे। जैसे मैं कह सकता हूँ यू कैन दिस चेयर, यू कैन सिट दिस चेयर, तुम इस चेयर पे बैठ सकते हो, तो वहां पर कैन यूज हुई है, कौन सी मॉडल ऑर्डिनरी वर्ब में यूज हुई है, आप बता सकते हो इस सारणी के माध्यम से कौन सी वर्ब किस कहां पे यूज हो सकती है। तो इसी प्रकार मिलते रहेंगे, थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो, ओके नमस्ते, ओके। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए अपन आज एक्जिक्यूटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक्जिक्यूटिव वर्ब, अपने वर्ब पढ़ ली थी, वर्ब की फॉर्म पढ़ ली थी, इसके बाद में अपन अध्ययन